बेल का शरबत हमारे पेट को रखता है ठंडा और हमें लू लगने से भी बचाता है। सेहत का खजाना है बेल का शरबत। आइए दोस्तों, आज हम बनाना बताते हैं आप सभी लोगों को सीक्रेट बेल की शरबत, जो कि पीने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये हमारे सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो गर्मी के मौसम में हम लोगों को बेल का शरबत अवश्य बनाना चाहिए और पीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बेल का शरबत बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है बेल। तो यहाँ पर हम अपने घर का बेल लिए हुए हैं और ये एकदम पका हुआ बेल है, एकदम बढ़िया है, देसी बेल है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो इसे हम तोड़ते हैं और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये जो है कि टूट गया। अब ये जो ऊपर का खोपड़ी है इस तरह से हम हटा देते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया बेल पका हुआ है। और इसका गूदा जो है इसे हम कलछुल से निकाल देते हैं। जब अच्छी तरह से बेल पका हुआ रहता है तो इसका गूदा बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए एक ही बार में इसका गूदा निकल गया। और इसी तरह से जो दूसरा बेल है इसे भी तोड़ देते हैं। ये देखिए ये भी टूट गया और ये तो और अच्छा पका हुआ है, इसका गूदा भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि 4 से 5 बेल तोड़े हुए हैं और सभी का गूदा हम निकाल कर इस भगोने में रख लेते हैं। दोस्तों, बेल का शरबत बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्द बनकर तैयार भी हो जाता है और ये शरबत पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बेल का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर हम शक्कर लिए हैं और दही लिए हैं और ये देखिए इसका जो गूदा हम निकाल कर भगोने में रखे हुए हैं इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे हाथों से अच्छे से मैश करते हैं ताकि इसका गूदा अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और जो एक्स्ट्रा इसका बिया वगैरह है सब अलग हो जाए। बेल का जो गूदा है उसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लिए हैं और ये देखिए पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे छानेंगे। इसे छानने के लिए पहले इस रस को इस जग में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद एक हम छन्नी लेंगे। इसी छन्नी के सहारे इस रस को हम छानेंगे ताकि इसमें का जो रेशा है और जो बिया है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जिससे हम आटा को चालते हैं वहीं वाला छन्नी लिए हैं और इसी में हम रस को डालेंगे। ये देखिए एकदम आसानी से जो है कि छन जाएगा और इसका बिया और रेशा इसी छलनी में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरे रस को छान लिए हैं और ये इसका बिया और रेशा रहा तो इसे हम हटा देते हैं और आइए देखते हैं रस हमारा कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों एकदम गाढ़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे
तो यहाँ पर हम चीनी लिए हैं, सभी चीनी को डाल देते हैं और इसे कलछुल से मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी अच्छी तरह से गल जाए। दोस्तों बेल का शरबत हमारा लगभग बनकर तैयार ही हो गया है और चीनी भी अच्छी तरह से गल गई है। अब बारी आती है जो सीक्रेट बात हमने बताई थी उसकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही सीक्रेट है कि इसमें हम डाल रहे हैं दही। दही डालने से इसका स्वाद और टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसके साथ साथ ये दुगना फायदेमंद हो जाता है और हमारे पेट को बहुत ज़्यादा ठंडक रखता है। अगर आपके पेट में कोई खराबी है, अगर आपका पेट गड़बड़ हो गया है, तो इस तरह से अगर आप बेल का शरबत बनाएंगे और पिएंगे तो पूरी गारंटी है कि आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मोटापे से परेशान हैं या आपका पेट झड़ रहा हो या आपको लू लग गई हो, तो इस गर्मी के मौसम में अगर आप बेल का शरबत इस तरह से बनाकर पिएंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा बेल का शरबत हमारा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम सर्व करते हैं। यहाँ पर हम कांच वाला ग्लास लिए हैं, इसी ग्लास में निकालते हैं। दोस्तों बेल का शरबत हमारा तैयार हो गया है और कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस न होने पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।